भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने कहा कि एमपीएस पर गारंटी कानून लागू नहीं करके केंद्र सरकार किसानों से छल कर रही है। किसानों के कल्याण को देखते हुए 7 सूत्रीय मांगों पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने सौंपा है, जिसमें किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग की गई है। हरिद्वार अलकनंदा घाट पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर 7 सूत्रीय प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से किसान की समस्या के समाधान की मांग की गई। पारित प्रस्ताव में किसान क्रेडिट कार्ड को ब्याज मुक्त करने, किसानों का 1 लाख तक का ऋण माफ करने, बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लेने तथा किसानों के निजी नलकूप पर मीटर लगाने की कार्रवाई बंद करने, किसान आयोग का गठन कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल करने तथा बकाया भुगतान दिलाने, किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 20,000 रुपए करने, विभिन्न टोल प्लाजा पर किसानों के साथ अभद्रता पर रोक लगाने तथा किसानों के निजी वाहनों का टोल माफ करने की मांग की गई। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी देने के वादे को पूरा नहीं कर सरकार किसान के साथ छल कर रही है। सरकार तुरंत अपना वादा पूरा करे और एमएसपी पर गारंटी कानून को लागू करे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के चलते पूरे देश में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों की नीतियों का जवाब आने वाले चुनाव में किसान देंगे। राष्ट्रीय भारतीय किसान जनशक्ति हमारे संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज 11-12 जून को हरिद्वार के गंगा तट पे किया गया है और यहाँ पे प्रमुख मांगे रही हैं कि जो किसानों की सम्मान निधि उसे बढ़ा के 6,000 से बढ़ा के 6,000 बहुत कम है, 6,000 से बढ़ा के उसको 20,000 किया जाए। सरकार एमएसपी पे गारंटी दे जिससे किसान सिक्योर हो, यहाँ हमारे फसल की ये कीमत मुझे मिलेगी। आवारा पशु उत्तर प्रदेश और प्रदेशों में सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, उस पर सरकार को ये चेतावनी दी गई। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भारी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में गन्ना पेमेंट है, सहारनपुर में चीनी मिल चल रही है, पिछले साल का पेमेंट कर रही है, इस साल का पेमेंट उन्होंने रोक रखा है पूरा। किसान आक्रोशित है, उस पर सरकार कोई ठोस निर्णय ले, नहीं तो किसान फैक्ट्री पर आंदोलन करेगा और संगठन आंदोलन कर भी रहे हैं पहले से। किसानों के लिए उर्वरक पे सरकार और भी छूट दे जिससे कि किसानों की हम आय बढ़ा सकें। जो सब्सिडी पहले जो थी अब बहुत ज़्यादा उन्होंने रेट बढ़ा दिए, सब्सिडी कम कर दिया उन्होंने, तो सरकार को किसान को सब्सिडी और बढ़ाने की ज़रूरत है। किसानों को खाद बीज समय पे मिल जाए जिससे कि किसान खेती करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।